अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि और अर्थ संबंधी संबंधी हितों में अभिवृद्धि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के विशिष्ट जैसे अनुसूचित जाति है जनजाति है इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है अर्थ संबंधी जो हित है उन सबके लिए विशेष सावधानी एवं अभिवृद्धियों को करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उन सभी वर्गों की रक्षा भी करेगा। यह उत्तरदायित्व भी राज्य का होगा कि उसके राज्य में जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं अनुसूचित जाति से है जनजाति से है या आर्थिक रूप से संपन्न जो नहीं है उन सभी वर्गों की जो जिम्मेवारी है वह भी राज्य की होगी कि उन्हें किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए या फिर उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस सब को सारे कार्य को राज्य के द्वारा ही पूर्ण किया जाएगा। फिर पोषाहार स्तर पर राज्य के लोगों के पोषाहार स्तर और उनके जीवन स्तर दोनों को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के जो सुधार है उनको अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के जो औषधियों प्रयोग से भिन्न है उनका उपयोग पर वह निषेध यानी प्रतिषेध करने का भी प्रयास करेगा जिससे कि उसके राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं वह अच्छा जीवन जी सके और मादक पदार्थ जो जैसे शराब है और नशीली दवाएं हैं उन सबका सेवन करने के लिए वह रोक भी लगाएगा। कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायें और
ठीक है।